ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी, एबीसी तीन पार्टनर है, 1 जनवरी को जो कैपिटल है 60,000 है, 30,000 है और 10,000 है। ऑन 31 दिसंबर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट 35,400। द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग। देखिए अभी तक क्या पता चला कि तीन पार्टनर है, 60, 30 और 10 उसका कैपिटल है और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ 35,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे देंगे आराम से। सैलरी टू सी, खाली सी को सैलरी देना है 200 रुपया पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। तो देखिए कुछ भी तो नहीं है, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और सैलरी बस, बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन 4 नंबर बहुत एडजस्टमेंट है, 4 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो सी है ना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, ये तीनों मिला के इज गारंटीड बाई ए। ए ने गारंटी किया था मिनिमम कितना, 8,000। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी को जोड़ के देखेंगे। अगर 8,000 से कम होता है तो ए में जितना कम होगा ए में माइनस करेंगे और सी में प्लस कर देंगे। आपको क्या बोला है बनाने के लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इन द बुक ऑफ ए बी एंड सी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर, जिसका जो रहेगा 9, 10, 11, 12 जो भी है उसको वहां लिख देना है। बताओ नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट 35,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी तीन है, फाइव परसेंट बोल रहा है तो 3,000, 1,500 और कितना होगा 500, टोटल हो गया 5,000। दूसरा नंबर सैलरी टू सी, कितना देना है 200 पर मंथ। यहां तक कोई दिक्कत, सवाल तो बन गया क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, शेयर ऑफ फोर इज टू 2:1 याद रखेंगे। ये जो एबीसी यहां पर पहले लिखते थे ना, यहां लिख के हम लोग क्या करते थे, ये तो बैलेंस आएगा ही आएगा। देखो थोड़ा यहां देखिएगा बात को, 35,400 उसमें से 7,400 चला जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा, और 28,000 को 4:2:1 से हम लोग बांटते थे और यहां पर हम लोग लिख देते थे। अभी क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा इस साइड लाइएगा, क्यों एडजस्टमेंट है ना। तो देखो 28,000 को अगर हम लोग 4:1 से बांटेंगे तो 16,000, 8,000 और 4,000 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया सम्स
हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नॉन स्टॉप आ रहे हैं तो, और अगर ऑन ऑफ करके आ रहे हैं तब तो बात ही अलग है। देखो फिर से, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया था, बैलेंस कर दिए। अब इस कंडीशन को देखो, जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड का जो बात आप लोग करना चाहते हैं, एक पार्टनर मतलब ए ने किसको गारंटी दिया है, सी को। क्या लिखा है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 4000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 4500 एंड सैलरी, तो 4500 और 2400 6900, तीनों को मिला देने से कितना हो रहा है 6900 इज गारंटेड बाई ए। लेकिन ए ने गारंटी दिया, कितने का दिया, मिनिमम 8000, कितना कम पड़ गया 1100, यानी 1100 रुपया सी को मिलेगा और 1100 रुपया इसका माइनस हो जाएगा। लेकिन ये काम तो हम लोग आपस में बातचीत करके समझते समझते प्लस माइनस कर दिए, बट एग्जामिनर कैसे जानेगा कि ये गारंटी वाला बात हुआ कैसे, तो हमको नीचे में लिखना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग कर दे रहे हैं, अब देखिए 16000 में 1100 चला गया तो कितना हो जाएगा 14900, यहां पर 8000 और इसका 5100, बात बराबर वही पड़ा। तो देखे क्यों हम इधर दबा के लिखे, क्योंकि जब भी गारंटी का सवाल रहेगा ना, किसी में प्लस होगा और किसी में माइनस, तो पक्का होगा। अब हम लोग ये बात यहां पर लिख रहे हैं, देखो लिखने का स्टाइल देखो, ये जो प्लस माइनस हुआ, जैसे यहां लिखा हुआ है ना सम्स में, जैसे सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, सम्स में है, फोर नंबर एडजस्टमेंट में, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सैलरी, यहां तक लिखें। क्या क्या लिखें, जो यहां सम्स में दिया हुआ है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 4000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 प्लस सैलरी इज इक्वल टू 6900 लिख दीजिए, बट वहां पर लिखा हुआ है बट गारंटेड बाई, लिखा हुआ है देखिए बट गारंटेड बाई ए रुपीस कितना 8000। पूरे सम्स का लैंग्वेज लिखे, अपने मन से सिर्फ अमाउंट को ही हम लोग लिखे हैं, तो क्या हुआ, हेंस डिफरेंस 8000 माइनस 6900, 8000 जो गारंटी दिया था और 6900 मतलब जो जोड़ के आया पूरा, तो डिफिशियंसी कितना हो गया 1100। कौन बियर करेगा, वही बात यहां पर लिख दी। तो बोलो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन आप जानते ही थे, सिर्फ गारंटी वाला बात अगर आप नहीं जानते तो कैसे होता। गारंटी के सम्स तीन तरह से बनते हैं, एक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, दूसरा फर्म जो है ना वो किसी एक पार्टनर को गारंटी देता है, दो तीसरा एक पार्टनर फर्म को गारंटी देगा, तीन तरह के सम्स हैं, ठीक है ना, कॉपी हो गया। नेक्स्ट सम्स की तरफ जाएंगे हम लोग।